इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हो तो बिल्कुल मत जाना कहीं, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये देखो, एलियान ब्रूनो नाम का एक इंसान ऐसी एक हेयर ट्यूटोरियल को रैंडमली अपने बाथरूम में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो ये कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर सके, जनरल कंटेंट क्रिएटर। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि वो अपने ही हार्ट अटैक को रिकॉर्ड कर लेता है। देखो ये कैसे नॉर्मली नहा रहा है और अचानक से इसको हार्ट अटैक आना शुरू होता है। तो ये एक लाइव हार्ट अटैक है जो कि कैमरा में कॉट हो गया। उनको ये जरा भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और हार्ट अटैक की सबसे खराब बात आपने जो नोटिस किया होगा वो यही है कि ये कभी भी आ जाता है किसी को भी। ऑफ कोर्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स सिम्टम्स पहले से ही दिखते हैं, लेकिन अगर कोई केयर ना करे तो ऐसे ही होने लगता है, फिर बॉडी में अचानक से ही ये अटैक कर देता है। तो हार्ट अटैक की जो सबसे डरावनी बात ये निकल कर आती है कि ये कभी भी रैंडमली हो जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है। इसलिए अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है, नॉर्मली हर जगह आप हो, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, नॉर्मल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके हार्ट में पेन हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी, तो एक प्रोफेशनल से दिखा ही लेना चाहिए, अच्छा होता है। क्योंकि ऐसी क्लिप्स जब हम देखते हैं, और न जाने इंडिया में भी आप कितने सारे क्लिप्स को देखे होंगे सोशल मीडिया पे जिसमें अचानक से ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए इस बात के बारे में कॉन्शियस होना जरूरी है, आप ही की सेफ्टी की बात है ये। टाइटन जो कि सैटर्न का मून है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ तक वाटर भी कंफर्म्ड है, उसका जो मून है उसका सरफेस का आप ये फोटो देखो, ये आप बोलोगे कि ये कौन सा फोटो है, तो आपको अजीब लग सकता है कि इतना खिचपिच फोटो क्यों है। लेकिन यकीन मानो, ह्यूमन बीइंग्स के इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो सैटर्न का मून टाइटन है उसका यही फोटो इंसानियत के पास अवेलेबल है। क्या मैंने इंसानियत बोला? हाँ, मतलब इंसान के पास अवेलेबल है। इस फोटो के बारे में नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आर्टिकल मौजूद है। और जो ये आप पत्थर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में पत्थर नहीं है, आपको ये पत्थर की तरह लग रहा होगा शायद, लेकिन ये पानी है, एक्चुअली में आइस है ये असल में। अगर आप मार्वल मूवीज के फैन हो मेरी तरह, तो आपको पता ही होगा कि मार्वल मूवी वालों ने टाइटन प्लैनेट को ही चुना था। ये प्लैनेट नहीं है वैसे, ये तो मून है सैटर्न का, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड जगह जैसा दिखाया जाता है हमें टाइटन को, और इसी पे थैनोस रहता है। तो मार्वल के स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स यही वो जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और सोलर सिस्टम में मार्स से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस जगह पर है लाइफ की, इतने हद सेंटेंसेस वैज्ञानिक कह चुके हैं। तो सोलर सिस्टम में मार्स यानी मंगल ग्रह सबसे पॉपुलर प्लैनेट है, आपको पता ही होगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि लाइफ के मामले में, लाइफ होने के मामले में मार्स यानी मंगल ग्रह के बाद ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि लिस्ट में आता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सॉर्ट करे, तो वो असल में ये टाइटन ही आएगा। पापुआ न्यू गिनिया जो ये जगह है, यहाँ पर एक ऐसा बनाना ट्री का प्रजाति है जिसमें ऐसे बनानाज उगते हैं जो कि 3-3 किलो के होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े बनाना के प्रजाति में से एक है, और ये बनाना कुछ ऐसा दिखता है, एक केला खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 दर्जन केलों को खा चुके हो। अगर मैं आपको अभी टाइम ट्रेवल करा के 1940 में भेज दूं, तो आपको पता है न्यूज़पेपर पे ऐसे एड्स देखने मिलेंगे, रेडियो का एड जो कि बिक रहा है और उसमें टेप रिकॉर्डर भी मौजूद है, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कम इन लेट अस मेक अ रिकॉर्ड ऑफ योर वॉइस। तो उस समय ये कितनी स्पेशल चीज होती थी अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना, जो कि आजकल कोई भी कर सकता है अपने फोन में। और उस समय इन्वेंशंस का दौर था, न्यू इन्वेंशन, न्यू 1941 इन्वेंशन, ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाया जाता था। वैसे आपको पता है, जैसे आपके मन में आता है कि काश उड़ने वाला कार होता, तो एक्चुअली में ये थॉट उस टाइम भी लोगों को आता था कि उड़ने वाला कार साल 2000 तक आ ही जाएगा। 1940 के टाइम पे लोग कहते थे, आपके दादाजी के पापा यानी आपके पर दादा के टाइम की बात है ये, लेकिन उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे अभी के समय में भी प्रॉपर उड़ने वाला कार नहीं आया है। वैसे BMW ने आपकी एक फैंटेसी को पूरा कर दिया है कि जो कार अपने कलर को बदलते हैं, ये अब पूरा हो चुका है। कार पे एक बटन को प्रेस करके आप कलर को अब बदल सकते हो, लेकिन उड़ने वाला कार अभी तक नहीं आया है। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आपसे जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से एक
बहुत ही टर्म फेमस हुई थी जिसे कि फेसबुक डिप्रेशन कहते थे। एक फेनोमेनन, एक फैला हुआ फेनोमेनन जिसके बारे में बात होना बंद हो गया, लेकिन ये जो डिप्रेशन वाली बात है सोशल मीडिया के चलते ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। कई डिटेल्ड रिसर्चेस हुए, आपको पता है, आपके लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों रुपए लगाकर सोशल मीडिया का जो इफेक्ट होता है ब्रेन में और हमारी थिंकिंग में उसको रीड किया है, और इससे इंसान में डिप्रेशन डेवलप होती है, और ये होती है ऑफ कोर्स कंपैरिजन के चलते कि हाँ ये सोशल मीडिया में शो ऑफ कर रहा है कि ये खा रहा है, 1000-2000 का KFC खा रहा है तो मुझे भी अभी खाना चाहिए, मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, ये समथिंग अच्छा खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। लोग अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो क्या है कि किसी का अगर 20,000 रुपए सैलरी है तो उसको जो 1,00,000 कमाता है उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यकीन मानो जो 1,00,000 महीने कमाता है उसको अपने में ऐसा नहीं फील होता है जैसा कि आप सोचते हो, उसको लो ही फील होता है, क्योंकि उसको 5,00,000 रुपए कमाने वाला जो बिजनेसमैन है वो अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर भी कहानी स्टॉप नहीं होती है, जो 5,00,000 रुपीज पर मंथ कमाता है उनको जो बड़े बिजनेसमैन है जिनका रेवेन्यू टर्नओवर 25-30 लाख महीने है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही कॉम्पिटिशन के चलते माइंड फ्राई हो जाता है इंसान का, और पहले के जमाने में लोग जितना खुश रह पाते थे उतना अब नहीं रह पाते इसी कॉम्पिटिशन के चलते और सोशल मीडिया के इजी शो ऑफ के चलते। अब जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम में अपने BMW का फोटो डालूं तो बहुत लोग ये कहेंगे देखो BMW दिखा रहा है, तो इसके पास BMW है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों ये टाटा का ये चला रहा हूं। तो देखो ऐसी बात नहीं है और ऐसा माइंड होना भी नहीं चाहिए। जहां तक BMW की बात है वो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा, आप टेंशन मत लो, आप बस जिंदगी में मेहनत करते रहो, आप खरीद लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी, बस अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करते रहो, आपका आप BMW क्या आप Porsche ले लोगे एक ना एक दिन देख लेना। लेकिन फिलहाल कॉम्पिटिशन दूसरों से मत करना, अपने से करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेली बेसिस पर अपने आप को कुछ परसेंटेज इंक्रीज करते जाओ, और सबसे बड़ा टूल जो आपके पास है ना वो है नॉलेज। और देखो इसका मतलब ये भी नहीं कि टाइम पास मत करो, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कहेंगे पढ़ के आगे बढ़, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर 18 घंटे कर 20 घंटे कर 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई कर, ऐसी क्रिंजी सी बातों को बोलेंगे वो, बट वो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, एक्चुअली में इंसान को रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो जो आप ऐसी माइंडलेस रील जो देखते हो उसको भी करो, डेफिनेटली करो, रील्स भी देखो नॉन स्टॉप 30 मिनट 40 मिनट, लेकिन जितना रील्स देखते हो उससे ज्यादा आपको कुछ प्रोडक्टिव देखना और सीखना चाहिए और एजुकेशन को गेन करते रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। आपको पता है अगर आप कभी प्लेन पर बैठकर जापान की तरफ गए तो आप माउंट फूजी को जरूर देखना, क्योंकि पता है जितने भी यात्री जाते हैं वो जब माउंट फूजी के पास से गुजरते हैं तो ऐसे पिक्चर्स को डेफिनेटली वो कैप्चर करते हैं जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर माउंटेन है जो कि क्लाउड्स को काटते हुए बिल्कुल क्लियर दिखता है। ये है माउंट फूजी कटिंग थ्रू द क्लाउड्स। अगर आप कभी लद्दाख के ऊपर से जा रहे हो प्लेन पे तो आप इस सीन को जरूर कैप्चर करना। ये एक अमेजिंग सा व्यू है लद्दाख का पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल फील्ड का, जो कि समुद्र से 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल फील्ड है। और दुनिया के सबसे ऊंचे फुटबॉल फील्ड की बात करें तो वो पेरू में मौजूद है। आपने पेड़ों को तो कितने बार देखा है, रोड के साइड में देखा है, जंगलों में देखा है, लेकिन ये पेड़ अंदर से कितने अमेजिंग होते हैं ये आपने कभी सोचा ही नहीं है। जो सबसे मोटे मोटे पेड़ होते हैं, एकदम जंगली पेड़ जो कि डीप फॉरेस्ट ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, उनका अगर आप स्टेम काट दो नीचे से तो फिर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इनका जो नेटवर्क होता है वो एकदम बिल्कुल इंसान का जो एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है ना चिप के अंदर, बिल्कुल वैसे ही लेवल पे, नेचुरल लेवल पे ऐसा नेटवर्क मौजूद रहता है जो कि ग्राउंड से कम्युनिकेट करता है और अपने आप को जिंदा रखता है। अगर आप डीपली सोचो तो पेड़ जिंदा है, यानी उसके अंदर एक आत्मा है, वो लाइफ है। ये अपने आप में ही एक बहुत अजीब सी बात है। वैसे इस फोटो को देख के आपके मन में जरूर यही आ रहा होगा कि ये तो चाउमीन की तरह दिख रहा है या फिर मैगी की तरह दिख रहा है। धरती पर जो गर्मी है वो कितने महीने रहती है? इसका आंसर आप दोगे वही जो 5-6 महीने रहती है, 7-8 महीने कहीं कहीं पे, और ठंडा थोड़ा कम महीने के लिए रहता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरेनस ग्रह है वहाँ पर गर्मी जो है समर वो 42 साल तक रहता है। इस फैक्ट को याद कर लो, यूरेनस प्लैनेट पर समर 42 साल तक रहता है। वैसे बहुत सारे ग्रहों का हिंदी नेम सबको
पता है। लेकिन ये जो लास्ट का दो प्लैनेट है ना, इसका हिंदी बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आप इसके नेम्स याद कर लो। यूरेनस का मतलब अरुण ग्रह, बहुत कम ही लोग जानते हैं, और नेपच्यून का मतलब वरुण ग्रह, अरुण वरुण। देखो आप मॉल तो गए ही होंगे, है ना, आप मॉल जाते आते रहते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप मॉल में जाओगे ना, तब आप इस फैक्ट को याद करना। इस फैक्ट का नाम है ग्रुवेन ट्रांसफर। ग्रुवेन ट्रांसफर मतलब वो मोमेंट जब एक कस्टमर मॉल के अंदर घुसता है और उसका लेआउट इतना कंफ्यूजिंग होता है कि वो जो ओरिजिनली प्लान किया होता है कि मुझे ये लेना है या फिर ये लेना है, उससे कहीं ज्यादा वो परचेज कर लेता है। एक इम्पल्स क्रिएट हो जाता है मॉल के डिजाइन के चलते। मतलब आप मॉल में जाना तो एकदम एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह कॉन्शियसली हर एक शॉप के पोजिशन को देखना, तो आप ये नोटिस करोगे कि उसको ऐसा बनाया गया है और डिजाइन को इस तरह क्रिएट किया गया है, और जो एग्जिट मार्क है उसको जानबूझकर छुपाया गया है, यानी एग्जिट को इंटेंशनली सामने नहीं लिखा रहता है कि ये एग्जिट है। आप एकदम कहीं जाओगे, इधर उधर घूमोगे, थोड़ा गोल घूम के इधर राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, तब छोटा सा आपको एग्जिट देखने मिलेगा। तो इसके ऊपर मॉल वाले करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐसे ही डिजाइन के लिए डिजाइनर द्वारा, और डिजाइनर को ये आइडिया रिसर्चेस से मिलती है कि कहां पे क्या होने पर इंसान के माइंड पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। यानी हर चीज में एक्चुअली में बहुत दिमाग लगाया जाता है। बिजनेस तो बिजनेस होता है, लेकिन आपको और हमको और बाकी आम इंसान को इसके बारे में नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप ही सोचो मॉल को सिंपल बना दिया जाए, सिंपल एग्जिट सिंपल एंट्री, बीच में दुकान, कंफ्यूजिंग ना बनाए, तो फिर उनका बिजनेस करीब 20-30% कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। इसलिए अगर आपके फैमिली में आपके चाचा या फिर फूफा मॉल खोल रहे हैं, तब आप उनसे जरूर पूछना कि आप ग्रुवेन ट्रांसफर के बारे में क्या सोचे हो, कैसे लोगों को ज्यादा देर तक रिटेन करोगे आप। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।